हेलो, माय नेम इज सोम सिंह। आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ टॉपिक वेक्टर। आई वांट टू टेल समथिंग अबाउट द वेक्टर टॉपिक। ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द कंपटीशन एग्जाम, बिकॉज अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो कंपटीशन एग्जाम के लिए, लेट अस सपोज काइनेमेटिक्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, सर्कुलर मोशन, वर्क पावर एनर्जी, इन एवरी टॉपिक यू आर गोइंग टू गेट वेक्टर, बिकॉज इन द मोस्ट ऑफ द टॉपिक देर इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच कंटेन्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ओके, एंड वेक्टर बेसिकली इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच फॉर फिजिकल क्वांटिटी विच कंटेन्स magnitude and direction, magnitude and direction, got it? यहाँ definition खत्म हो गई vector की। अब हम चलेंगे application की तरफ, या फिर थोड़ा समझेंगे what is vector, how it is represented, okay? If anyone says this is a vector, then your first question should be what is the magnitude of this vector? Then answer will be 2 unit. Unit may be meter per second, force, newton means newton, meter per second square, everything is vector, that's why unit भी use सकती है। Okay, फिर अगला question होना चाहिए आपका कि इसका direction क्या है। तो अगला आदमी बताएगा कि direction क्या है। जैसे मान लो इसको मैं कह दूँ कि it is 30 degree south of east, okay, south of north basically it is. It will be easy to show this 30 degree. Let us assume that it is north and it is east. Okay. तो ये vector representation हो गया, समझ गया आप लोग? ठीक है, अगला topic हम लेते हैं resolution। इससे पहले हम समझ लेते हैं vector में कितना depth तक हम समझ सकते हैं। Most आप लोगों को पता होगा कि displacement के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे आप, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट, पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स। तो वो सब चीज़ें आप वेक्टर के लिए अप्लाई कर दीजिए, इट विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। सबसे ईजिएस्ट वे है, मतलब इसको हम रिवर्स इंजीनियरिंग कह सकते हैं। ठीक है, इस तरह मशीन नहीं बनाई लेकिन बनी हुई मशीन ली, उसको खोल दिया, तभी सीख जाएंगे आप। वैसे डिस्प्लेसमेंट हम बहुत जानते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में, तो डिस्प्लेसमेंट से ही वेक्टर को सीख लेते हैं। आप सीख गए होंगे, मैं उसको एलेबोरेट नहीं करूँगा। ठीक है, तो अब मैं अगला टॉपिक ले रहा हूँ, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, लेट अस स्टार्ट रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो मान लो ही जो लास्ट टाइम मुझे एग्जांपल लिया था कि कोई वेक्टर है 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ये नॉर्थ हो गया। तो वेक्टर का रेजोल्यूशन मतलब होता है इसका, इस वेक्टर का एक्स डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट आएगा, एक्स डायरेक्शन में एंड वाई डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट आएगा, इसको हम सीख सकते हैं बेसिकली फ्रॉम द ट्राइंगल। ओके, एक ट्राइंगल लेते हैं, मान लो ये 10 मीटर है, तो इसका प्रोजेक्शन इस पे कितना आएगा, अगर थीटा है तो 10 साइन थीटा, साइन लॉ तो जानते हैं, साइन थीटा समझ रहे होंगे ना। देन इसका प्रोजेक्शन बेस पे कितना आएगा, 10 कॉस थीटा। उसी से वहीं से आप रेड करके यहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो ये वेक्टर है इसका कॉस कंपोनेंट, मान लो एल लेंथ है इसकी, तो इसका कॉस कंपोनेंट इधर आएगा और साइन कंपोनेंट इधर आएगा, एल साइन थीटा। ठीक है, इसको हम याद कर सकते हैं, जैसे कि 30 डिग्री है, अगर किसी को दिक्कत हो रही है, मान लो एग्जाम में आता है 3-4 वेक्टर आ जाते हैं तो वहाँ कन्फ्यूजन होता है हल्का सा, तो उसके लिए हम याद कर सकते हैं 30 डिग्री से स्टिक कर रहा है। ठीक है, तो स्टिक STICK आ रहा है ना, तो कॉस आ गया। और जो ये वाला कंपोनेंट है
ये डिस्टेंस पे है, डिस्टेंस में एस आता है तो साइन हो गया, ठीक है, सिंपल इफेक्ट हो गया, मतलब हल्का सा हुआ है, ट्रिक है, बहुत ही होगा, कुछ खास बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना, समझ गया ना आप लोग, रिजोल्यूशन समझ गए। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज़ रिजोल्यूशन क्या है, आगे चल के आप लोग पढ़ोगे वेक्टर एडिशन, हो सके भाई ट्राइंगल लॉ और अनदर लॉ, उसमें होगा ये कि बस दो ही वेक्टर आप एडिशन कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो, लेकिन रिजोल्यूशन का ये फ़ायदा है आप मल्टीपल वेक्टर्स को एक साथ सॉल्व कर सकते हो। इसका मेन एग्जाम्पल आते हैं ना, जैसे कि मान लो कहीं फोर्स लग रहा है किसी बॉडी पे, मल्टीपल फोर्स, तो उसको आप विद इन सेकेंड सॉल्व कर लोगे, 10-15 सेकेंड में, हल्की सी प्रैक्टिस चाहिए होती है बस, ठीक है। तो मैं समझाता हूँ, एक क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन है थोड़ा तो बड़ा बनाऊंगा फिगर जिससे कि इजीली समझ में आ जाए। एक वेक्टर है इस डायरेक्शन में 10√2 45 डिग्री पे, एक वेक्टर है इस डायरेक्शन में, लेंथ मत जाना यार उस पर, स्केल से नहीं है लेंथ, बस मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ डाटा, ठीक है, 20√3 एट द 60 डिग्री, और तीसरा जो वेक्टर लेते हैं एक इधर ले लेते हैं 60 डिग्री पे ही, 20√3, ठीक है। तो इसको हम रिजॉल्व करना शुरू करते हैं, तो पहले रिजॉल्व करते हैं इसको, इस वाले को, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल में क्या कंपोनेंट आएगा, एक्स डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट आएगा, 10√2 cos 45, कितना आ गया है, यह आ जाएगा 10, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 10 इस डायरेक्शन में। वैसे यहाँ अगर क्लियर निकालेंगे तो 10√2 sin 45, इट विल बी अगेन 10, तो यहाँ भी 10 आ गया। और देखो अभी टाइम लग रहा है, मैं समझा रहा हूँ टाइम ले रहा हूँ, लेकिन विद इन सेकेंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम रिजॉल्व करते हैं इसको, ये है इस वाले को, तो इसका x में कॉम्पोनेंट आएगा 20√3 cos 60, x में कॉम्पोनेंट में cos लिख रहा हूँ बार बार, इसका मतलब ये नहीं है कि x में cos ही आता है, और मान लो ये जो 60 है इसकी जगह पे ऊपर कहीं 30 दे दिया होता तो x में साइन आता फिर, क्योंकि जो 30 का है डिस्टेंस x से हो गया है, वो क्लोज टू स्टिक कर गया है y से, ठीक है, तो y से स्टिक कर गया है तो cos उधर आएगा, इतना समझ रहा हूँ ना, ठीक है ना। इसको सॉल्व करते हैं 20√3 cos 60 को, तो यह आएगा 10√3, ठीक है। अब अगर इसमें करेंगे y कंपोनेंट सॉल्व तो 20 sin 60, ठीक, तो ये आ जाएगा कितना आएगा, 20√3 है ना, 20√3 यार, सब एक मिनट डालता हूँ, ट्वेंटी रूट थ्री साइन 60, ठीक है। तो ये अराउंड टू 30 आ जाएगा, 30 आया ना, तो इधर 30, ये आप समझ रहे हो, ये कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, ये फोर्स हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, वेलोसिटी हो सकती है, एनीथिंग, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, क्योंकि सब फिजिकल सब वेक्टर क्वांटिटीज हैं, गॉट इट। देन फैन मैंने आपका रखा है कि नॉइस आएगा, देन ये हम देखते हैं थर्ड वाला, थर्ड वाले में क्या है, थर्ड वाले में भी 20√3 है, तो ये देखो एक्स स्टिक कर रहा है 60 ना, तो 20√3 cos 60, अगेन इट विल बी 10√3, देन आई एम सोइंग 10√3, और साइन कंपोनेंट आएगा 20√3 sin 60, देन इट विल बी इन दिस डायरेक्शन 30, ठीक है, रिजॉल्व हो गया सारे कंपोनेंट। और हमें रिजल्टेंट निकालना है,
वी कैन डू इट इन सेकेंड्स। ये 30 से 30 कैंसिल होगा, देखो ये ध्यान देना, ये 30 से 30 कैंसिल होगा क्योंकि एक डायरेक्शन में है, ठीक है। तो फाइनल बचेगा क्या, इधर नेगेटिव एक्स में हो जाएगा 20√3 कंबाइंड हो गए, ये कंबाइंड होगा और 20√3 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 10, ठीक। तो इसको हम नए उसमें दिखा लेते हैं, एक नया अपना नया बोर्ड लेके, इधर कितना था 10 था, इधर 20, इधर कितना था 10 था, ठीक। तो फाइनल निकाल सकते हैं, 10 इधर है, इधर ले जाओगे तो आप नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू यहाँ क्या जल हो गए, तो इसको आप सॉल्व कर लोगे अगर, तो सिंपली आंसर आ गया हमारा। ये टर्म्स कठिन है इसलिए आ रहा है, वैसा लग रहा है, ठीक, गॉट इट। ये फाइनल है वाई में, फाइनल वाई डायरेक्शन में, फाइनल ये है एक्स डायरेक्शन में, फाइनल ये है। अब देख लो यार, अब तुम्हें दिखाता हूँ, काफ़ी हो जाएगा तुम्हें। मान लो ये फोर्स होता, अगर कोई ब्लॉक होता, इस पे से फोर्स लग रहे होते इस तरफ नहीं था, सॉरी इधर नहीं था, इधर फोर्स लग रहा होता 45 पे, इधर फोर्स लग रहा होता 60 डिग्री पे, देन इधर फोर्स लग रहा होता 60 डिग्री पे, मैग्नीट्यूड वही रख लेना, तब भी हमने वो क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। बेसिकली ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं पीछे, हम अपने एफ नेट निकाल लिया है वाई में और एक्स में, तो हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं इसमें डायरेक्टली, बस हमें बस न्यूटन के लॉ पढ़ने हैं, आंसर तुरंत आ जाएगा एक लाइन में, ठीक है। इसी का सेकंड वेरिएंट दिखाता हूँ मैं। मान लो वो क्वेश्चन फोर्स ना होता, डिस्प्लेसमेंट होता, कि पहले बॉडी ऐसे गई, फिर उसके बाद बॉडी 60 डिग्री पे ऐसे गई, पहले 45 पे ऐसे, फिर 60 पे ऐसे, देन अगेन 60 पे ऐसे, ठीक है। तीन तीन डिस्प्लेसमेंट है, तो हमने फाइनल रिजल्टेंट निकाल लिया है, फाइनल डिस्प्लेसमेंट ये हमने निकाल लिया है फाइनली। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हमारा फोर्स इधर आया था, तो रिजल्टेंट भी इधर आएगा, तो सेम दिख रहा है ना ये, समझ गया। वो क्वेश्चन भी हो गया, हम एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो हमने डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया है, टाइम से डिवाइड कर देंगे, एवरेज वेलोसिटी आ गया। देख रहे हो आप ये कॉन्सेप्ट से कितनी चीज़ सॉल्व हो रही हैं, ओके। एंड बस हो गया यार, इतना सफिशियंट आई थिंक रिजोल्यूशन में। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड फॉर अ टाइम, और ये मैं नया हूँ इस पर यूट्यूब पे, इट इज़ माई फर्स्ट वीडियो, तो जो करना हो कर देना, अगर कुछ सीखा हुआ हो तो सब्सक्राइब लाइक नोटिफिकेशन बेल और शेयर कर देना, ठीक है, ओके, थैंक यू।